एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये ना सिर्फ आपके सब्जेक्ट में मदद करेगा बल्कि आपकी सोशल लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आजकल के परिवेश में दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आजकल के स्टूडेंट्स को परेशान कर रही हैं, तो इन परेशानियों में अक्सर कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ के जो है कंडीशन में अपने आप को पाते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैं सच में मेंटल हेल्थ मुझे प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ऐसे कुछ मेंटल हेल्थ या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप बायोलॉजिकली कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई साइकोलॉजी का टॉपिक है, बल्कि ये बहुत हद तक जो है ये बायोलॉजी का टॉपिक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके कॉजेज असली में जो बायोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बातें रहती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर सपोर्ट दिखाएं, वीडियोस को लाइक करें और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट चैनल पर ज़रूर दिखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई टेस्ट दिया और आपका उसमें मार्क्स 1/100 आया और आप दुखी फील कर रहे हैं तो क्या यह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। एक ह्यूमन जो होता है वो कई तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, हैप्पी इमोशंस को, सैड इमोशंस को। ठीक है, एनर्जी हाई कभी रहती है, कभी एनर्जी लो रहती है, लेकिन ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो जिस कंडीशन, जब आप उसको किसी मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा होता है जो कि नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, तो जब भी हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर की। मतलब कि एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब वो आपके नॉर्मल इमोशंस नहीं हैं, या एक पर्सन के नॉर्मल इमोशंस नहीं हैं, या इमोशंस तो नॉर्मल है लेकिन वो रूप इमोशन का नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यही हो गया। और सबसे पहले तो हम लोगों को इस टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एनी डिसऑर्डर विच प्रेजेंट्स अ पर्सन टू फंक्शन इन इफेक्टिवली इन द सोशल डोमेन इज टर्म्ड एज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब सोशल डोमेन में वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा डिसऑर्डर जिसकी वजह से कोई इंसान सोशल डोमेन में अच्छे से बिहेव नहीं कर पाए, उसको हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसी को हम कह सकते हैं पैटर्न ऑफ बिहेवियोरल और साइकोलॉजिकल सिम्टम दैट कॉजेज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, इम्पेयर द एबिलिटी टू फंक्शन इन वन और मोर एरियाज ऑफ लाइफ और बोथ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से इंसान के अंदर डिस्ट्रेस है, मतलब कि उदासी है। ठीक है, और उसकी एबिलिटी जो है फंक्शन करने की वो लो हो गई है, जो उसका काम है वो नहीं हो पा रहा है और उसकी लाइफ की एक एरिया या फिर बहुत सारे एरिया अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? द सिम्टम्स विच अ पर्सन इज शोइंग मस्ट रिप्रेजेंट अ सीरियस डिपार्चर फ्रॉम द प्रिवेलेंट सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है, तो एक इंसान के जीने का कोई तरीका होता है, ठीक है, जिसे हम नॉर्म्स बोलते हैं, मतलब कि वो नॉर्मली कैसा बिहेव करता है, तो जो उसके अलग सिम्टम आ रहे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अलग होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका क्या क्या टाइप है, किस किस तरह के नॉर्म्स के अपोजिट जो है बिहेवियर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का पर्सन शो करता है। तो इस बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए 7 टाइप ऑफ कंसिडरेशन जो है की जाती हैं। कैसे आप डायग्नोस करेंगे कि एक इंसान सिर्फ दुखी है या डिप्रेस है? ठीक है, या सिर्फ दुखी है या उसको कोई मतलब मेंटल डिसऑर्डर है, या मतलब आप उसके बिहेवियर को कैसे जानेंगे कि ये चीज़ कोई डिसऑर्डर है? सबसे पहला, सफरिंग, एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रेस एंड डिसकम्फर्ट इन वंस ओन लाइफ। जब इंसान को कोई सफरिंग होती है या कोई ट्रॉमा होता है तो डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
Mal adaptiveness, engaging in behavior or thought pattern which makes it more difficult to lead one's life. मतलब किसी की सोच जो है वो एकदम उदासीन हो गई है और वो हमेशा निगेटिविटी से घिरा हुआ है, हमेशा निगेटिव बातें कर रहा है, ठीक है, और जिस तरह का उसका नज़रिया है उस नज़रिए से जीवन जीना कठिन है अगर ऐसा कोई है तो. इरेशनैलिटी, अनेबल टू कम्युनिकेट इन रीजनेबल मैनर, मतलब वो लॉजिकल बात नहीं करेगा, इलॉजिकल बात करेगा वो इंसान, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, तार्किक बातें नहीं करेगा. अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब आप उसके वेस का प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, जैसे अगर आपके सामने कार आ जाएगी तो आप हट जाएंगे, नॉर्मल पर्सन हट जाएगा, लेकिन अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो गिवन कंडीशन में कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है. विविडनेस एंड इंटेंसिटी, एक्सपीरियंस सेंसेशन विच आर फार मोर विविड एंड इंटेंस देन दोज ऑफ अदर पीपल, ठीक है. इंटेंसिटी मतलब समझ रहे हैं, जैसे अगर हंस रहा है तो बहुत तेज़ी से हंस रहा है, या रो रहा है तो बहुत ज़्यादा रो रहा है, इस तरीके का कंडीशन, मतलब उसका जो इंटेंसिटी है जो इमोशन फील करने का वो बहुत हाई रहे. ऑब्जर्वर डिस्कम्फर्ट, एक्टिंग इन वेज विच अदर फाइंड एम्बैरेसिंग, मतलब नॉर्मली जैसे वो चीज़ बिहेवियर में नहीं होती है, इस वजह से अगर वो कोई परफॉर्म करेगा तो बाकी की जो पब्लिक है उसको अनकम्फर्टेबल फील होगा, ठीक है. तो वहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि हो सकता है मे बी पर्सन को कोई डिसऑर्डर हो. वायलेशन ऑफ मोरल एंड आइडियल स्टैंडर्ड, जो एक मोरल और आइडियल स्टैंडर्ड जो है सोसाइटी का सेट है, अगर उसको कोई तोड़ रहा है, ठीक है, और बार बार तोड़ रहा है, हैबिचुअल हो गया है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर शक कर सकते हैं, हो सकता है पर्सन को कोई डिसऑर्डर हो. अब देखते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है. सबसे पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, अगर अनुवांशिक है मतलब उनके पेरेंट्स में या फिर उनकी पीढ़ी में चलता आ रहा है तो उनको भी होने का बहुत सारा चांस है. क्रोमोसोमल डिसफंक्शन, कोई म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से ब्रेन का कोई स्पेशल पार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा है या कोई स्पेशल चीज़ बन नहीं पा रही, उसकी वजह से भी डिसऑर्डर हो सकता है. ब्रेन और एंडोक्राइन डिसफंक्शन, जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको हार्मोन के बारे में बताया था, तो उसी तरह से अगर कोई एंडोक्राइन सेक्रीशन नहीं हो रहा है तो उस केस में भी हमारा जो है डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है और उसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है. इसीलिए मैंने आपसे बोला कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसका रूट जो है वो बायोलॉजी में ही है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, उसको आइडेंटिफाई करना और मेज़र करना भी उसको मुश्किल है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव, एक क्वालिटेटिव चीज़ है, वो क्वांटिटेटिव चीज़ नहीं है, ठीक है. द इफेक्ट इज़ नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल बट इफ़ वन ट्राइज टू एनालाइज द वेरियस प्रोसेसेस ड्यूरिंग, जैसे यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर में आप वही समझिए कि कोई ट्रॉमा है या फिर कुछ, मतलब किसी तरह का उनके साथ एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ है जिसकी वजह से वो एक एबनॉर्मल डिसऑर्डर डेवलप कर लिया है इस इंसान ने, ठीक है. अब देख लेते हैं कि टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, ठीक है. तो जो मेजर चार टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं वो हैं, ये चारों डिसऑर्डर हैं. एंग्जाइटी डिसऑर्डर सबसे कॉमनली जो है हम सुनते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही सुनते हैं. मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स और सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, ये चार तरह के मेजर इसके टाइप्स होते हैं. तो अब एक एक करके देखते हैं कि ये चारों टाइप्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं. सबसे पहले हमारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर. तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो होता है ये कोई बहुत मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है. ये अक्सर, मतलब हम में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस कर लेते हैं. जैसे कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अगर किसी इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी लव्ड वन का आपके डेथ हो गया है, ठीक है, तो हम एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते हैं. सडन फीलिंग होती है, घबराहट होती है, जिसे एंग्जाइटी कहा जाता है, ठीक है. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर डिसऑर्डर विच डिक्रीज द परफॉर्मेंस और सोशल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू हाइपर एंग्जाइटी. अगर लेकिन इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो ये मतलब और ख़तरनाक जो है डिसऑर्डर बन सकता है, ठीक है. और हर पर्सन का अपना एक अलग वे होता है एंग्जाइटी से डील करने से. जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा पाँव को हिलाते हैं या हाथ को हिलाते हैं, तो वो उनका तरीका है अपनी एंग्जाइटी से डील करने का. इसी तरह कुछ लोग नाखून चबाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल है. लेकिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी और टाइप्स हैं जिसे हम देखते हैं.
सबसे पहला टाइप है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, और सबसे चीफ सिम्टम क्या है इस डिसऑर्डर का, अनरियलिस्टिक और एक्सेसिव वरी, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, ऐसा चिंता करना कि मतलब वो अनरियलिस्टिक हो जाए। जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो आप ये चिंता करिए कि मैं सड़क पे जा रही हूँ, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे कार मिलेगी या नहीं, मुझे अपनी कैब मिलेगी या नहीं, कहीं मैं मतलब आप एक्सेसिव थिंकिंग करिए, आप एक्सेसिव पॉसिबिलिटीज़ को जो है देखिए, तब आपका जनरलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर होता है, ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। नर्वसनेस, डिजीनेस, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, ठीक है, टेंशन, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, ये सब इसके कुछ कॉमन सिम्टम हैं, ठीक है। जब जनरलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर होगा तो आप नर्वस हो जाएंगे, ठीक है, आपको हल्का चक्कर आ सकता है, आपको पसीने आ सकते हैं, आप शिवर कर सकते हैं, मतलब आप कांप सकते हैं, आपको टेंशन हो सकता है और आपको ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है, तो ये जनरलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर है। अब है पैनिक डिसऑर्डर, ये इसका नेक्स्ट लेवल है, ये थोड़े परेशानी की बात है। एंगजाइटी, इंटेंस एंगजाइटी अलॉन्ग विथ मार्क्ड फिजियोलॉजिकल सिम्टम सच एज, कैसे कैसे सिम्टम होंगे, मतलब यहाँ पर फिजियोलॉजिकल सिम्टम भी आ रहा है, सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे इंक्रीज्ड पैल्पिटेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड सीन इन द केस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, सांस फूलने लगेगी आपकी, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा ही आप परेशान हो जाएंगे और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाए, आपको कहीं पर आराम ना मिले। बिफोर एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ एंगजाइटी कामनेस प्रिवेल्स, मतलब पहले आप शांत रहेंगे और जब आपको अटैक आ जाएगा, पैनिक अटैक आ जाएगा, उसके बाद आप शांत हो जाएंगे, लेकिन जो इन बिटवीन वाला है वो प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम, मतलब ये कॉन्टिन्यू नहीं है, जैसे डिप्रेशन जो डिसऑर्डर है वो कॉन्टिन्यू चलता है, लेकिन ये सब जो डिसऑर्डर है ये अटैक वाला है, मतलब सडन टाइम के लिए रहेगा लेकिन इंटेंसिटी हाई रहेगी। अब आता है फोबिया। फोबिया मीन्स एन इरेशनल फियर ऑफ सम ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। फोबिया के बारे में भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जैसे कि किसी को पानी से डर होता है, किसी को कीड़ों से डर होता है, किसी को ऊंचाई से डर होता है, तो एक स्पेसिफिक चीज़ से जब इंसान हद से ज़्यादा डरता है, इतना डरता है कि उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। When this fear reaches a level when it disrupts normal functioning, then it is termed as phobia. ऊंचाई से हम सबको डर लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ऊंचाई के नाम से ही परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह का एक फोबिया है सोशल फोबिया, जहाँ पर एक इंसान जो है वो स्टेज पर बोलने से डरता है या फिर अजनबियों से बात करने से डरता है, तो ये बहुत टाइप के फोबियाज होते हैं, आप इसके बारे में आसानी से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी आजकल बहुत आपने सुना होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, OCD, परसिस्टेंट थॉट्स और विशेज दैट इंट्रूड इनटू वंस कॉन्शियसनेस एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड और ऑब्सेशंस। कंपल्शन इज एन एक्ट विच अ पर्सन फील्स कंपेल्ड टू कैरी आउट डिस्पाइट नोइंग दैट इट इज़ अननेसेसरी। ऑब्सेसिव थिंकिंग ऑफन लेड्स टू कंपल्सिव एक्ट। तो OCD में क्या होता है कि आपको, आपका जो माइंड है, ठीक है, उसमें कुछ थॉट्स होते हैं वो लगातार आते हैं, मतलब आपके कंट्रोल से बाहर है ये चीज़ कि आप उसके बारे में ना सोचें, ठीक है, और जब ये थॉट्स आते हैं तो आपके ऊपर ये भी प्रेशर रहता है कि आप उन थॉट्स पर वर्क करें, मतलब यू आर कंपेल्ड टू वर्क ऑन देम, कंपल्सिव, इसीलिए इसका नाम है, पहले तो ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, उसके बाद आप कंपल्सिव, मतलब आप एकदम कंपेल्ड हैं कि आप वो काम करेंगे ही, चाहे वो अननेसेसरी ही क्यों ना हो। अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिन्हें मतलब सफाई से ऑब्सेशन होता है, वो हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे, अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है तो वो परेशान हो जाएंगे, तो इसी तरीके की अलग अलग तरह की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर रिफर टू फिजिकल प्रॉब्लम विच हैव नो ऑर्गेनिक बेसिस, फॉर एग्जाम्पल फटीग है, हेडेक है, वेग बॉडी पेन है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज रिमेंस प्री ऑक्यूपाइड विथ सिम्टम। तो इसमें क्या है, ये फिजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कोई ऑर्गेनिक बेसिस नहीं है, ठीक है, जैसे कि फटीग, हमेशा रहना, हमेशा सिर दर्द करना, इस तरह की, और बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होना, तो ये सब भी एक तरह का जो है डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बाद बारी आती है मूड डिसऑर्डर्स की, ये इमोशन के डिसऑर्डर हैं, ठीक है, जो आप जो है आपके एहसास हैं, जो आप फील करते हैं, उनका डिसऑर्डर है। हाइटेंड इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इमोशन रिक्वायर इमीडिएट साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल अटेंशन। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है,
ठीक है, जिसे हम अक्सर एंगर इश्यूज कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर टर्म्ड एज इमोशनली डिस्टर्ब्ड। ठीक है, मतलब आप अपने इमोशंस की इंटेंसिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब भी किसी चीज़ के ऊपर आपका जब तक कंट्रोल रहता है तब तक वो चीज़ लिमिट में रहती है, लेकिन तब तक आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं तब तक बात सही है, लेकिन जब वो चीज़ आपको कंट्रोल करने लगे तो बात दिक्कत वाली हो जाती है। मूड डिसऑर्डर्स इंक्लूड सीवियर सिम्टम्स सच एज डिससेटिस्फैक्शन एंड एंग्जाइटी। जैसे कोई इंसान है तो वो हमेशा परेशान, उसको कितना भी दे दो लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। चेंजेस इन एपेटाइट, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप, साइको मोटर फंक्शन, सडन वेट लॉस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड थॉट ऑफ डेथ एंड सुसाइड। मतलब वो हर चीज़ के बारे में हमेशा बहुत ही हाइटेंड इंटेंसिटी पे सोचेगा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा। इन सम ऑफ द डिसऑर्डर जेनेटिक फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। ड्रग थेरेपीज एंड बायोलॉजिकल थेरेपीज हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर इट्स ट्रीटमेंट। तो इसके क्योर के लिए क्या करते हैं, हम जो है बायोलॉजिकल ड्रग्स लेते हैं, जो मेडिकल ड्रग्स होती हैं, मेडिकल थेरेपीज इसको प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। इट हैज़ बीन फाउंड दैट व्हेन पीपल सफर फ्रॉम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पेन और टेंशन दे टेक ड्रग्स और एल्कोहल। तो सब्सटेंस से यहाँ क्या मतलब है, किसी भी तरह का जो है ड्रग है, अल्कोहल है, ठीक है, तो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। और इसके यूज़ को क्या कहते हैं, मतलब अब्यूज़ करते हैं लोग इसको, इसे कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ या फिर ड्रग अब्यूज़। ड्रग्स लाइक अल्कोहल इन्फ्लुएंस आवर थॉट एक्शन एंड एक्टिविटीज़ नेगेटिवली। ये हमारी बॉडी को भी हार्म करता है, हमारे सोचने समझने की क्षमताओं को भी कम करता है और मतलब ऑल ओवर हमारी लाइफ को बर्बाद करता है। दीज ड्रग्स जिसको कहते हैं कि लत की, जो लत की बीमारी होती है वो है ये सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। दीज ड्रग्स इफ यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉज डेटेरियोशन इन अटेंशन मोटिवेशन एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। पीपल हैव सफर्ड लॉसेज इन देयर पर्सनल एंड सोशल लाइफ ड्यू टू द यूसेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर कोई पर्सन जो है वो सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ड्रग्स का यहाँ पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फॉर ईजिंग विदड्रॉल सिम्टम्स, मतलब अगर आप जैसे अगर कोई बहुत हाई अमाउंट में ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, और आपने अचानक से उसको रोक दिया तो उसके अंदर बहुत ही खतरनाक विदड्रॉल सिम्टम आएंगे, मतलब उसकी बॉडी खोजेगी। जैसे आप बहुत दिन तक उसको ड्रग्स दे, मतलब वो बहुत दिन तक यूज़ कर रहा था और अब वो नहीं यूज़ कर रहा है तो उसकी बॉडी जो है डिमांड करेगी, क्योंकि बॉडी को हैबिट पड़ जाती है। एवर्सिव कंडीशनिंग, मतलब उसको ध्यान आपको सेफ इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा, सोशल सपोर्ट देना पड़ेगा, साइकोथेरेपी देनी पड़ेगी, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहुत सारे होते हैं जहाँ पर मतलब ड्रग मतलब जो ड्रग की लत में रहते हैं उन्हें जो है समझाया जाता है, बुझाया जाता है और ये लत छुड़वाने की कोशिश की जाती है। और प्रिवेंशन है सबसे इम्पॉर्टेंट और फॉलोअप, मतलब उससे दूरी बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। सबसे अब जो है फेमस डिसऑर्डर पे आते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया अक्सर जैसे आपने कोई भी मूवीज़ देखी होंगी तो मूवीज़ में अक्सर इस टर्म का बहुत इस्तेमाल होता है, स्किज़ोफ्रेनिया का। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर्स, मतलब ये एक डिसऑर्डर नहीं है, ये क्लस्टर है डिसऑर्डर का। कैरेक्टराइज बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज अटेंशन परसेप्शन, मतलब अटेंशन मतलब आपका ध्यान नहीं दे सकते हैं आप, परसेप्शन मतलब नज़रिया नहीं है किसी चीज़ का, थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, हर चीज़ आपकी इसमें जो है अफेक्ट होती है। दिस फ्रेगमेंटेशन लीड्स टू सीरियस मेल एडजस्टमेंट, मतलब जब आपका अटेंशन परसेप्शन थॉट इमोशन बिहेवियर सब आपका जब इफेक्ट हो जाएगा तो आप लाइफ कैसे जिएंगे। परसेप्शन से मतलब है यहाँ पे कि आपको सपने में और यथार्थ में कोई अंतर ही नहीं पता चलेगा, आप चीज़ें इमेजिन कर सकेंगे, आप कुछ भी देखेंगे आप उसको विश्वास करेंगे बिल्कुल एक रियल चीज़ की जैसे। डियर थिंकिंग पैटर्न इज़ कन्फ्यूज एंड डिसऑर्गनाइज एंड दे फेल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विथ अदर, मतलब पूरा सोचने समझने का यहाँ पर उनके क्षमता ही खत्म हो जाता है। ये देखिए इतने तरह का जो है स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। सबसे पहले है कैटाटोनिक, इसमें क्या होता है अनयूजुअल पैटर्न ऑफ मोटर एक्टिविटी, स्पीच डिस्टर्बेंस होगी सच एज रेपिटेटिव चैटर और रिजिड पोस्चर। तो यहाँ पर बोलने में परेशानी है, रेपिटेटिव कोई बात बार बार कही जाएगी, अनयूजुअल पैटर्न है उनके एक्टिविटी का। ठीक है, डिसऑर्गनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, वर्बल एसिमेट्री मतलब बातचीत में परेशानी है और जो है पुअरली डेवलप्ड आइडियाज़, मतलब उनके जो ख्याल हैं वो पुअरली डेवलप्ड हैं। पैरानॉइड क्या होता है,
अक्सर आपने बातचीत में सुना होगा कि डोंट बी अ पैरानॉइड। तो यहाँ पे पैरानॉइड से क्या अर्थ है, प्री ऑक्यूपाइड विथ वन और मोर सेट ऑफ आइडियाज़, मतलब आप उन्हें कितना भी समझाएं उनका जो नज़रिया है वही रहेगा, आप उसे बदल नहीं पाएंगे किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड हेलुसिनेशन है, इनकोहरेंस है, मतलब हेलुसिनेशन से यहाँ पर क्या मतलब है कि चीज़ें इमेजिन करना, हेलुसिनेट करना, उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो रियल में है या नहीं है। रेसिडुअल विड्रॉल एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम है, लेकिन जो प्राइमरी सिम्टम है वो क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट है, डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन है, डिस्टर्बेंस इन इमोशनल एक्सप्रेशन है, और डिस्टर्बेंस ऑफ स्पीच है, सोशल विड्रॉल है, लो मोटिवेशन है। तो ये स्किजोफ्रेनिया के बारे में कुछ बातें थी। तो ये कुछ मेजर जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, सारे डिसऑर्डर्स इसमें कवर नहीं हो पाए हैं, और भी डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डिप्रेशन है, ADHD है, ऑटिज़म है, और भी चीज़ें हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ ला पाना पॉसिबल नहीं था। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप लोग अवेयर होइए चीज़ों से जो आपके साथ हो रही हैं, आप सिम्टम को पहचानिए और अपने आप को जो है बचाने की कोशिश करिए, ठीक है। और बायोलॉजिकल सेंस से भी अक्सर इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप न्यूरोसाइंस में रिसर्च करना चाहते हैं या आपको न्यूरोसाइंस में इंटरेस्ट है, तो ये सब एरिया जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यू नो कि आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए PDFs के लिए। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।